हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम लोग फिफ्थ क्लास का मैथ्स पढ़ रहे थे जिसमें मैं चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करा चुका हूँ आपको। मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट एक्सरसाइज में इसमें करा चुका हूँ आपको। सेकंड एक्सरसाइज में हम सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। इसमें 5 क्वेश्चन है, इसके बाद आपकी ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। इसमें सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज, ठीक है। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है 5320 कार्टून्स आर लोडेड इन अ लॉरी, ठीक है। हाउ मेनी कार्टून कैन बी लोडेड इन 253 सच लॉरी, ठीक है। यानी कि एक आपकी लॉरी है, लॉरी मतलब जो आपका सामान वगैरह ले जाता है, ट्रक वैसा, ट्रक टाइप का थोड़ा। तो एक लॉरी के अंदर 5320 कार्टून्स हैं एक लॉरी के अंदर, और आपको ये बताना है कि अगर इतनी लॉरीज हैं 253 तो कितने कार्टून्स उसमें लोड हो जाएंगे। आप मुझे ये बताइए, अगर आपसे बोला जाए कि आपके पास एक लॉरी है जिसके अंदर आप 5 कार्टून्स रखते हैं कार्टून्स, और आपसे बोला जाए कि आपके पास 3 लॉरियों में कितने कार्टून आ जाएंगे, तो आप बोलेंगे सर 3 लॉरियों में कार्टून आएंगे आपके, एक में 5, 2 में 10, तो 3 में कितने आ जाएंगे, 15 कार्टून्स। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये एक्चुअली आपने निकाला कैसे 15? ये तो आपने छोटी कैलकुलेशन थी इसलिए आपने कर ली, लेकिन बड़ी कैलकुलेशन में क्या होगा, मेथड यही रहेगा। लेकिन आपने क्या किया कि एक लॉरी में जितने कार्टून्स थे इनका मल्टीप्लाई टोटल नंबर ऑफ लॉरी से कर दिया, तो आपको क्या मिल गया, 15 मिल गया। यही आपको यहाँ करना है कि टोटल नंबर ऑफ कार्टून्स इन 253 लॉरीज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्टून इन ईच लॉरी या वन लॉरी, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ लॉरी, ठीक है। चलिए, टोटल नंबर ऑफ कार्टून ईच लॉरी में कितने हैं, 5320 इंटू टोटल नंबर ऑफ लॉरीज कितनी हैं, 253, इन का मल्टीप्लाई आपको करना, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए आप क्या करेंगे, 5320 253 मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 3 का 0 में तो 0 ही आएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, क्रॉस लगाएंगे, 5 का 0 में 0 आएगा, 5 2 जा 10 की 0 कैरी 1, 5 3 जा 15 और 1 16 की 6 कैरी 1, 5 5 जा 25 और 1 26, फिर डबल क्रॉस लगाएंगे, 2 का 0 में 0, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, ये आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई 0 6 9, ये हो गया 10 5 15 कैरी 1, 12 और 1 13 और 1 14, ठीक है, और कैरी 1 यहाँ आएगा 3 और यहाँ पर 1, ये आप मल्टीप्लाई करके खुद से भी देख सकते हैं। तो इतने कार्टून्स आपके आ जाएंगे 253 लॉरीज के, ठीक है, यही आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम। देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, ए जॉइंट फैमिली अर्न्स 1,51,230 एवरी मंथ रुपीज़, ये रुपीज़ हैं, ठीक है, यानी इतने रुपीज़ एवरी मंथ वो जो है अर्न करते हैं, फाइंड हिज एनुअल इनकम। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, एनुअल का मतलब होता है आपका कि वन ईयर का आपसे पूछ रहा है, और वन ईयर का मीनिंग क्या है कि 12 मंथ का आपसे पूछ रहा है। तो आपको बताया है कि फैमिली अर्न्स, या ऐसे लिखते फैमिलीज एनुअल इनकम क्या होगी, इनकम ऑफ वन मंथ
मल्टीप्लाई बाय मंथ्स, या फिर आप लिख सकते हैं सीधा 12, क्योंकि आपको पता है एक एनुअल एनुअल मतलब वन ईयर, और वन ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ आप लिख सकते हैं। तो एक मंथ की इनकम है 1251230 और इनटू मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 का, ठीक है। अब आप इसको देखेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 12 का, इसमें देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, चलिए कर लेते हैं 12 से मल्टीप्लाई करें। चलिए देखिए 06420052 ये आएगा आपका, ठीक है, 2 से करेंगे तो, और क्रॉस लगा के 1 से करेंगे तो ये डिजिट आ जाएंगी एज इट इज़ 21521। अब इनको आप ऐड कर दीजिए 06741051। ये आपका उसका एनुअल इनकम आ गई, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। मल्टीप्लाई करना था बस, कुछ नहीं था इसमें ऐसा कुछ। लास्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, चलिए फोर्थ क्वेश्चन में बताता हूँ आपको। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में आपसे बोला क्या है, ए गोडाउन हैज़ 10359 राइस सेक्स, ठीक है ना, मतलब आप पाउच समझ लीजिए या थोड़ा वो समझ सकते हैं। तो इफ़ ईच सेक कंटेन्स 175 किलोग्राम ऑफ राइस, ठीक है ना, ईच सेक के अंदर या बोरी समझ सकते हैं, ईच बोरी के अंदर आपके 175 किलोग्राम राइस है, देन वॉट क्वान्टिटी ऑफ राइस इज इन ऑल द सेक्स। तो आपको बताने हैं कि इन सारे इतने नंबर ऑफ सेक्स में आपकी कितना राइस होगा टोटल क्वान्टिटी। तो जैसा फर्स्ट क्वेश्चन बताया था वैसे ही सेम क्वेश्चन है, आप इस टाइप से समझ लीजिए। मान लीजिए आपके पास एक सेक्स के अंदर आपके पास 5 किलोग्राम राइस आते हैं, ठीक है, और मैं आपसे बोलूँ कि 4 सेक्स के अंदर आपके पास कितने किलोग्राम राइस आएंगे, तो आप बोलेंगे सर 4 सेक्स में निकालने हैं, तो 1 में 2 और 2 सेक्स में कितने आएंगे 10 kg, 3 सेक्स में कितने आएंगे 30 kg और 4 सेक्स में कितने आएंगे 40 kg, आप ऐसे निकालेंगे, ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गई, 5 है तो यहाँ 15 आएगा, ये 15 kg और ये आएगा 20 kg, ऐसे निकाल लेंगे आप, ठीक है। आप बोलेंगे सर 4 सेक्स में 20 kg आएंगे, तो पर ये तो छोटी कैलकुलेशन में आप कर सकते हैं इस मेथड से, लेकिन बड़े नंबर के लिए आपको क्या करना होगा कि ये देखिए ये 20 कैसे आ रहा है एक्चुअली। तो आपने ये देखा कि वन सेक्स में जितने किलोग्राम राइस हैं इसका मल्टीप्लाई आपको जितने नंबर ऑफ सेक्स दिए हैं उसमें कर देंगे तो 5 4 20 आ जाए, ठीक है, यही मेथड आपको यहाँ पे लगाना है। बस थोड़ी सी लैंग्वेज इसमें लिख सकते हैं आप क्या कि टोटल क्वांटिटी ऑफ राइस इज इक्वल टू 10359 इंटू 175, ठीक है। तो ये देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए 13759 का 175 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखिए 5 का 9 में करते हैं, पहले ये आएगा 45 की 5 कैरी 4, 55 जो 25 और 4 29 की 9 कैरी आ गई 2, 53 जो 15 और 2 17 की 7 कैरी आ गई 1 और जो इसमें आ जाएगी 1 और 5 बन जा 5, ये आपकी कैरी खत्म हो गई। अब क्रॉस लगाएंगे 79 जा 63 की 3 कैरी आ गई 6, 75 जो 35 और 6 41 की 1 कैरी आ गई नहीं 4, 73 जो 21 और 4 25 की 5 नहीं कैरी आ गई 2, 7 का 0 में 0 और कैरी 2 की एज इट इज आ जाएगी, ये कैंसिल हो गई और 7 बन जा 7, ठीक है। अब डबल क्रॉस लगाएंगे और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है 9530 ये एज इट इज आ जाएगा। अब इसको आप क्या करेंगे ऐड कर दीजिए, देखिए 5 9 और 3 12 की 2 कैरी ऊपर आएगी 1, 1 और 7 8 और 1 9 और 9 18 8 फिर कैरी आएगी 1 और 1 2 और 5 10 क्या हो गया 12, फिर कैरी आएगी 1 1 और 5 6
और टू एट और थ्री इलेवन का वन कैरी वन और सेवन एट और इतने किलोग्राम ऑफ राइस आएंगे आपके इतने सेक्स। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। आपकी एक्सरसाइज भी फिनिश हो गई है और आपका चैप्टर भी फिनिश हो गया। इसमें सिर्फ दो ही एक्सरसाइज थी। नेक्स्ट वीडियो से हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे जो कि आपका डिवीजन के ऊपर है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।